हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज कुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने प्लस टू का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। रिसेंटली हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट सेकंड लेक्चर तक हमने देखा था स्टेडी करंट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जब चार्ज रुका हुआ बात करते हैं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज मूव करवाएंगे, चार्ज को चलाएंगे, उससे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो कैसे क्रिएट होती है, वो कैसे बनती है, कैसे फ्लो करती है, हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी के टाइप किस टाइप के होते हैं। जैसे हमने बोल दिया केमिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, अलग अलग टाइप की एनर्जीज हमने पढ़ी है। पर हमने जो आज एनर्जी पढ़नी है वो हमने पढ़नी है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, जिससे हमें चार्ज की या एनर्जी की वैल्यू मिलती है। सभी जानते हैं कि अगर चार्ज की वैल्यू चाहिए, अगर चार्ज चाहिए मतलब हमें अगर किसी भी चार्ज को अगर फ्लो करवाना है, तो फ्लो करवाने के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब हम किसको फ्लो करवा रहे हैं, चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, तो मतलब चार्ज अगर फ्लो करेगा तो हमें कुछ एनर्जी देगा। वो एनर्जी का जो नाम है उसको हमने बोल दिया, कि एनर्जी का जो फ्लो है उसको हमने बोल दिया करंट। अब सबसे मेन बात आती है कि करंट के लिए अगर करंट बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, या अगर हमने करंट को अगर किसी एक साइड से, मतलब अगर बोल दिया ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, मतलब करंट का फ्लो कैसे करवाएंगे। और हमें ए से बीच में अगर 50 घर आते हैं तो 50 घर में पहले घर में 2 मिनट में पहुंचेगी या दूसरे मिनट में, 3 मिनट में, या कैसे पहुंचेगी। तो इन चीजों को हमने देखते हुए हमने क्या बोला कि करंट को अगर हमने फ्लो करवाना है, करंट को अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे लेके जाना है, एक घर से दूसरे घर तक लेके जाना है, तो करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को चार्ज का फ्लो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना पड़ेगा। अच्छा, हमने क्या बोला, हमने बोला कि चार्ज का फ्लो करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या बोला कि जैसे हमने बोला कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने बोला एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए एनर्जी किस टाइप से कन्वर्ट करवाएंगे। जैसे मैंने बोला कि हम अगर पानी भरना होता है तो हम पानी की टंकी के लिए मोटर लगाते हैं, तो मोटर के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, बिजली जरूरी है, तो मोटर चलाती है, मोटर क्या करती है, पानी उठाती है और हमारी टंकी के ऊपर भेज देती है। तो हमने क्या किया, मोटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी ली और एमजीएन मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया और ऊपर हमने क्या भेज दिया, एक एच हाइट पर पानी की टंकी भर दी। अब हमने क्या बोला कि जो टंकी है उसमें क्या भर गया, वाटर फ्लो, वाटर फुल हो गया, मतलब पानी क्या हो गया, भर गया, मतलब पानी भर गया किसी हाइट पे था, और हमने यहाँ पे क्या लगा दी, टैप लगा दी। तो हमने क्या किया, यहाँ से पानी को बुला लिया, पानी को बुलाया मतलब जैसे ही टैप ओपन की तो वो पानी क्या है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी का अगर हम यहाँ पे हम मान लो कोई बड़ा टैंक है, टैंक से पानी मंगा रहे हैं और नीचे हम क्या करेंगे, एक पंखा लगा देंगे, वो पानी रेगुलर पंखे पड़ता रहेगा, वो क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कन्वर्ट करवाना स्टार्ट, मतलब एनर्जी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हम बैटरी चार्ज कर लेंगे, मतलब चार्ज को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और उसको हम किस में स्टोर करते हैं, कैपेसिटर में फ्लो स्टोर करते हैं, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। तो मतलब हमने क्या बोला, एनर्जी को पहले हमने पोटेंशियल को काइनेटिक में, काइनेटिक को ऐसे हमने एनर्जी में क्या करते रहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहे। तो एनर्जी का कन्वर्ट करना, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड में। तो हमें क्या मिला, एनर्जी का स्टोर मिला, सोर्स मिला, कि इस सोर्स से उसे सोर्स में हमने चेंज करना है। तो अगर सीधा बोला जाए, इलेक्ट्रिक करंट का बोला जाए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो आप समझो जी, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कि एक हमने एक मान लो ये स्टेशन ले लिया ए पॉइंट और ये ले लिया बी पॉइंट, तो हमने क्या बोला कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनका क्या करना, फ्लो करना, उनका क्या करना, फ्लो करना। तो ए से बी तक के अंदर जितने भी चार्ज फ्लो होंगे, जो चार्ज फ्लो होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके इलेक्ट्रिक करंट कहलाएंगे। तो अगर आई इक्वल्स लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज है, डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
dQ upon dt। और ऐसे यूनिट ऑफ करंट क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर, या इसको लिखेंगे और लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। तो हमने क्या देखा कि किसी भी अगर चार्ज के लिए बात करेंगे तो यूनिट पर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो अगर इस चीज को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कि डेल्टा क्यू बराबर में क्या आएगा, आई डॉट डेल्टा टी क्या आएगा, मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें, सीधा लिखना चाहें तो बराबर में क्या आएगा, चार्ज बराबर में क्या आएगा, करंट, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा इसका, ये भी आंसर बन जाएगा। तो आई बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू है यहाँ पर चार्ज, और डेल्टा की टी क्या है यहाँ पे, क्या है टाइम, और आई क्या है, करंट है। अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ गई कि सर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर, 10वीं में हम पढ़ चुके हैं, 10th में हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो आपको ये पता होगा कंडक्टर वो होते हैं जिसमें चार्जेस का फ्लो बड़े आराम से होता है, तो हम क्या बोलते हैं उनको, कंडक्टर बोलते हैं। चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर होती है। तो हमने क्या बोला कि जिसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होगा वो इंसुलेटर कहलाते हैं। अब हमने बोला चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो का कंडक्टर में फ्लो होना, ए से बी पॉइंट के लिए होना, तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर करंट बह रही है। तो करंट का बहना क्या है, चार्जेस का फ्लो होना। तो अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या बना, आई बराबर में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, डी क्यू अपॉन डी टी, और ऐसा यूनिट क्या बनी, ऐसा यूनिट बोली एम्पियर या कूलम्ब पर सेकंड। एम्पियर इज द साइंटिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसे साइंस के लिए किया था, इनोवेशन की थी, वो क्या था, एम्पियर, मतलब एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे क्या बन गया, एम्पियर। ठीक है, तो चार्ज के लिए हमने क्या बोला, करंट इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू इक्वल्स टू आई डॉट डेल्टा टी, मतलब आई डॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू डी क्यू। ठीक बात। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन भी होती है फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहली बात कि करंट की डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि अगर दूसरी बातों में बोला जाए जो करंट होती है वो जो होती है वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती। का मतलब क्या हो गया कि जो एडिशन रूल होता है किसका, वेक्टर का। एडिशन रूल ऑफ वेक्टर does not follow, मतलब जो करंट होती है वो वेक्टर के नियम को नहीं मानती। मतलब ये करंट इधर से फ्लो हो रही है, ये इधर से फ्लो हो रही है और हमें मिलना है, तो हमें 5 यहां से हो रही है, 3 यहां से हो रही है, तो टोटल कितनी मिल चाहिए, 8 एम्पियर मिलनी चाहिए, पर वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग कितनी मिल रही है, 2 एम्पियर मिल रही है। तो स्केलर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो वेक्टर के नियम है उनको ये फॉलो नहीं कर पाता, वेक्टर का जो एडिशन नियम है उसको फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या बोलते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर में कौन सा, वेक्टर में एडिशन नियम को फॉलो नहीं कर पाता, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी करंट है वो एडिशन नियम को फॉलो नहीं करता या वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक बात, इरेज करते हैं। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं जी करंट का फ्लो किस टाइप से होता है। इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर उतारना चाह रहे हैं तो पॉज करके उतार सकते हैं जी। हाँ जी, ये हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ये हमारा पहला टाइप था इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा कि हाउ टू फ्लो ए करंट, एक करंट कैसे बहती है, या ऐसे बोल सकते हैं अगर मैं बोलना चाहूं हाउ करंट फ्लो, तो हम लिखेंगे हाउ करंट फ्लो, मतलब करंट का फ्लो किस टाइप से होता है।
अभी एक बात समझो जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम बड़ा बोलते हैं सर्किट सर्किट सर्किट, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, सर्किट का मतलब क्या हो गया, हम बोलते हैं फिजिक्स में एक सर्किट होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब बोलते हैं ये सर्किट बना लिया क्या, ओपन सर्किट है क्या, क्लोज सर्किट है क्या, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ते हैं। अगर हमने बोला कि जैसे हमारी साइकिल है, जैसे हमारी साइकिल है, साइकिल में हम क्या करते हैं, आगे पेडल मारते हैं और क्या होता है, पीछे वो हमारा चक्का चलना स्टार्ट हो जाता है। मान लो ये हमारा साइकिल है, हमने क्या किया, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, हमने क्या किया, या हमने यहाँ पेडल मारने स्टार्ट किए और हमारा पिछला जो रिंग है, मतलब जो हमारी चैन होती है उससे जुड़ा होता है, वो चैन क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है। ऐसा ही रूल होता है। अब देखो जी क्या होता है कि मान लो पावर स्टेशन है ये वाला, पावर स्टेशन का मतलब समझते हो, जहां से करंट का फ्लो होता है, मतलब जहां से हमें करंट भेजी जाती है, तो यहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है, ये हमारा घर है, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, करंट मिलना स्टार्ट हो गया, और ये तार क्या होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का वापस फ्लो जाता है। तो कभी भी आप देख लेना कि हम स्विच लगाते हैं तो दो तारें लगाते हैं, हमारे घर भी दो लगती है, आपके भी दो लगती है। तो स्विच का मतलब क्या हो गया, हमने दो तारों को क्या कर दिया, जोड़ दिया और स्विच के अंदर लगा दिया, जिसके अंदर करंट थी, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मान लो बल्ब लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया। अब देखो जी इस सर्किट के अंदर हम बात करे जाएंगे, हमने क्या ली, दो तारे ली, पावर स्टेशन से अटैच करी और हमारे घर तक लगा दी, हमारे घर तक लगाई, हमने घर में क्या लगा, स्विच में लगाई, और हमारा क्या हो गया, घर में बल्ब जल गया। अगर मेरे को चार्ज को इकट्ठा करना है तो हमने इसके बीच में क्या लगा देना है, कैपेसिटर लगा देंगे, जो क्या कर लेगा, चार्ज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज होगा कर लेगा, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमने बोला कि हमें करंट नहीं चाहिए, हमें करंट नहीं चाहिए, तो हम क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं स्विच लगा देते हैं, हम क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। अब देखो, अब मैंने ये स्विच लगा दिया, अगर मैं इस सर्किट को मान लो ओपन कर दूंगा, ओपन का मतलब और क्लोज का मतलब, देखो इसका क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का मतलब समझो, ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने यहां से करंट चलाने स्टार्ट किया और बीच में तार काट दी, अगर बीच में से तार काट दी तो सर्किट क्या हो गया, मतलब ये देखो ये सर्किट था जी, ये सर्किट ऐसे जुड़ा हुआ था, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, अब मैंने क्या कर दिया, तार काट दी, क्या तार का सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, हाँ सर होगा, पर यहां तक होगा, यहां आगे जाएगा, हमारे घर लाइट आएगी या नहीं होगी। तो ओपन का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट का मतलब हो गया कि जो करंट है वो पास नहीं होगी, वो पास नहीं होगी, और जो क्लोज का मतलब है वो है करंट जो होगी वो क्या होगी, पास होगी। अब इसका मतलब देखो समझो जी, अब वापिस बोल रहा हूं, मैंने बोला कि ये जो करंट है, ये मैंने जो करंट बोला, इस सर्किट को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया मतलब ओपन कर दिया, अब ये क्या ओपन है, अब ये क्या है, क्लोज्ड है। तो अब मैंने बोला कि सर्किट क्या है, ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, जो करंट है वो पास नहीं होगी। तो ये मत समझना कि खुला सर्किट का मतलब क्या है कि पास होगी, नहीं, ओपन सर्किट का मतलब है जो करंट है वो नहीं होगी, जाएगी नहीं करंट, और क्लोज का मतलब क्या है, अब ये मत सोचना कि सर क्लोज का मतलब हमने सारे स्विच क्लोज कर दिए, नहीं, स्विच क्लोज का मतलब हो गया कि हमने उसको जोड़ दिया। तो जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि क्लोज सर्किट का मतलब क्या हो गया, करंट उसमें पास होगी, समझो ना चीज को। अगर मैंने ओपन बोल दिया तो ये ओपन मान लो है, और अगर मैंने बोल दिया क्लोज है तो ये जुड़ गया इसके साथ, और जुड़ गया क्या होगा, वापस करंट का क्या होगा, चलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं, स्विच को बंद करते हैं, हमारे जो बटन है उनको बंद करते हैं, तो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा, धारा नहीं जाएगी, मतलब करंट नहीं जाएगी। तो अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो हमारे पास करंट मिलेगी नहीं। तो दो चीजें समझो जी, ओपन सर्किट का मतलब होगा करंट पास नहीं होगी, क्लोज सर्किट का मतलब होगा करंट पास होगी। तो अगर आप मोटी मोटी बात समझोगे तो क्लोज जो सर्किट होता है, जो क्लोज सर्किट होता है, इसमें जो होता है सर्किट होता है वो पूरी तरह से बना होता है, ठीक है, मतलब फुलफिल्ड होता है, ठीक है, फुलफिल्ड होता है। और ओपन सर्किट में क्या होता है, टूटा फूटा,
ये हमारी घर की लैंग्वेज की बात है। तो आप समझो जी, फुलफिल्ड का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से बना होता है, और ये क्या होता है, टूटा फूटा होता है। इसको मैं रेज करता हूं ताकि आपको ऐसे कुछ कंफ्यूजन ना हो, तो वापिस समझेंगे। और हां जी एक चीज हो, अगर इसमें मैंने मान लो कि अगर मैंने बोला कि सर बताओ कि आप बताओ एक सेकंड में कितने चार्जेस का फ्लो हो रहा है, कितने चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें अगर हम यहाँ पर एक बंदे को खड़ा कर देते हैं, अगर एक बंदे को खड़ा कर देते हैं और वो बंदा क्या करेगा, बताएगा घड़ी में टाइम नोट करेगा और बताएगा हाँ सर एक मिनट बीतते जा रहे हैं, दो मिनट बीतते जा रहे हैं, तीन मिनट बीतते जा रहे हैं। अगर हम इसकी जो पावर स्टेशन की पावर को बढ़ा देंगे या इसके घूमने की जो पावर को बढ़ा देंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले एक मिनट में जा रहे थे 10, फिर दो मिनट में 40, तीन मिनट में 60, ऐसे मतलब क्या हो गया, फ्लो का बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आप क्या बोलोगे, सर इलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी। तो क्या लिखेंगे, चार्ज पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए यूनिट टाइम। मतलब अब क्या बोल दिया, चार्ज का जो टाइम, यहाँ इसे तो चार्ज जाएंगे, ये तो नहीं उड़ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये जो टाइम है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो लाइन है, इसके अंदर से जो चार्ज जा रहे हैं वो क्या है, एक यूनिट टाइम में कितने फ्लो कर रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑफ फ्लो या चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया विद यूनिट टाइम, कितने टाइम में चार्ज का उस सेक्शन से एरिया से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। हमने क्या बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मिनट में पहले कितने चार्ज जा रहे थे, 20 जा रहे थे, और अगले दो मिनट में हमने क्या किया, एक मिनट के गैप में क्या हुआ, 60 हो गए, तो हमने क्या किया, पावर स्टेशन से या हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 210 वोल्टेज या 210 किलोवाट की हमें नीड है, तो हम क्या करते हैं, उतना बड़ा मीटर लगा लेते हैं और उतने बड़े मीटर में हम क्या कर लेते हैं, चार्ज के फ्लो के हिसाब से उतनी उतनी मोटे तारे लगा देते हैं। और हमारे घर में क्या, हम बोल देते हैं कि नहीं 2 किलोवाट चल जाएगा, 4 किलोवाट चल जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि हमारे घर में अगर 2 AC लग रहे हैं, अगर 2 AC लग रहे हैं तो 6 किलोवाट या 4 किलोवाट सफिशियंट है। 4 किलोवाट का मतलब 4000 वाट की बात कर रहा है, तो हमने क्या बोला 4 किलोवाट सफिशियंट है। अगर हम 3 AC लगाते हैं और 2 किलोवाट लगा लेते हैं तो हमें क्या कहता है, हमारी तारों पे वो जोर लग जाता है। जोर का मतलब क्या होता है कि चार्ज का फ्लो क्या होता है, जल्दी स्पीड से होना स्टार्ट हो जाता है। स्पीड से होने का कारण क्या होता है, तारे गर्म होने स्टार्ट हो जाती है, और तारे गर्म होने का क्या होता है, स्पार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस हिसाब से हमारी हमारे जो घर में सर्किट लगते हैं उसी हिसाब से हम क्या रखते हैं, उसकी जो होती है वायरिंग होती है। तो उस हिसाब से हमने क्या बोला, हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ मतलब हम बोलते हैं हम कितना कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी कम होती जा रही है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में कितने चार्ज का फ्लो हुआ है। क्लियर है बात, इरेज करते हैं। अच्छा जी, इसको इरेज करते हैं, वापिस बताएंगे थोड़ा सा। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट समझ आ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो गया, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए यूनिट टाइम क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। क्या बोलेंगे, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए यूनिट टाइम। आपको बता दिया सर्किट कैसे बनता है, ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगर हमने किसी सर्किट को ओपन कर दिया तो मतलब क्या होगा, करंट पास नहीं होगी, और अगर क्लोज कर दे तो करंट पास होगी। क्लियर बात। अच्छा, सर्किट बनाने के लिए हमने, अगर हमें सर्किट के लिए चार्ज की जरूरत है, मतलब हमें अगर नीचे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो हम बीच में क्या कर लेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। उसके लिए हमने पढ़े कैपेसिटर क्या होता है, वो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में, वो कैपेसिटर क्या होता है और करंट फ्लो कैसे होती है आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक बात। अच्छा जी, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, देखिए जी, इसको इरेज कर देते थोड़ा सा ताकि हम लिखने योग्य हो जाए। अच्छा, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, अब बोल दिया कि किसी भी सरफेस एरिया के बीच में से, आप जो चीजें जिन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो ध्यान रखना जी, उसके लिए हमें काम जरूरी है। किसी भी सरफेस एरिया के अंदर जैसे मैंने बोला कि मान लो ये करंट पास हो रही है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर ये करंट पास हो रही है, ये ऐसे करंट पास हो रही है, ये ऐसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ये ऐसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमारी करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है।
अभी हमने क्या लिया, अभी हमने क्या लिया, अभी हमने ये मान लो, ये मान लो इसका हमने क्या लिया, इसके बीच में ये जो करंट पास हो रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो हमने माना डेल्टा ए है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा ए कोस थीटा, अभी क्या बन जाएगा, डेल्टा ए साइन थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा ए कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा ए साइन थीटा। अब देखो जी, एक बात समझो जी, अभी हम जो एरिया ले रहे हैं, ये वाला जो एरिया ले रहे हैं, मान लो ये वाला एरिया ले रहे हैं, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो इसके अंदर से होगा, मतलब इस एरिया के अंदर से होगा, इसके अलावा तो हमें नीड ही नहीं है, ना हमें चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मली पासिंग थ्रू फ्रॉम ए यूनिट क्रॉस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, मतलब ये क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस चार्ज, इस एरिया, इस डेंसिटी के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इस एरिया के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, करंट डेंसिटी कहलाएगी। समझो जी बात को, वापिस समझो जी बात को, मैंने क्या बोला, करंट पासिंग थ्रू नॉर्मली, करंट पासिंग नॉर्मली फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया, तो हमने क्या बोला कि उसकी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन में मान लो एरिया हमने ले लिया, या इसको हम टिल्ट कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं तो भी चलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन में क्या होगा, डेल्टा ए कॉस थीटा क्या है, डेल्टा ए कॉस थीटा क्या है, उस एंगल से जो करंट को पास कर रहा है, मतलब पास करने के लिए हमने इस एंगल को जो टिल्ट किया है, तो हमने क्या बोला, डेल्टा ए कॉस थीटा क्या है, उसका एंगल ऑफ, एंगल ऑफ क्या है, जिसमें से करंट पासिंग, जिसमें करंट पास हो रहा है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि, मैंने बोल दिया कि जो करंट पास हो रहा है वो बोला है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, दिस इज व्हाट, दिस इज करंट डेंसिटी इक्वल्स टू जे, जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो अगर मैं बोलूं किसकी एरिया की बात कर रहा हूं, किस एरिया की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं जे इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ए कॉस थीटा क्या है, डेल्टा ए कॉस थीटा क्या है, उस एरिया के एंगल, जिस एंगल से वो टिल्ट हुआ है, उस अंदर के एंगल के अंदर फ्लो कर रहा है। तो यहां से डेल्टा आई क्या आएगा, डेल्टा आई आएगा जे डॉट डेल्टा ए, सॉरी जे डेल्टा ए कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, जे डेल्टा ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसके जो आगे हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे जी, डेल्टा आई बराबर में, डेल्टा आई बराबर में जे डॉट डेल्टा ए, ठीक बात। अच्छा ये हमारा क्या हो जाएगा, एम डी आर, ठीक है, इंपोर्टेंट लिख दो जी, आप तो एम डी आर मत लिखो, बहुत कम आएगा, डेल्टा आई बराबर में जे डेल्टा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी देखो क्या हुआ, अभी क्या हुआ, डेल्टा आई बराबर में जे करंट डेंसिटी इनटू एरिया, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट का पास हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, समझे बात, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर उसकी जो करंट डेंसिटी है और उसका एरिया क्या है, उसका करंट कहलाता है। अच्छा अभी हमने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, करंट डेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो हमने पहले आपको चर्चा में बता दिया जी। अच्छा तो अभी समझोगे कि क्या होता है करंट डेंसिटी, क्या होता है, किसी भी करंट पासिंग थ्रू नॉर्मली फ्रॉम द यूनिट सरफेस एरिया वो क्या कहलाता है, उसका करंट, सॉरी क्या कहलाता है, उसका करंट डेंसिटी कहलाता है। J इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, J इक्वल टू डेल्टा आई, और डेल्टा ए के लिए हमने क्या बोला, ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उसका एंगल के लिए डेल्टा आई इक्वल टू क्या, J डॉट ए, J डेल्टा ए कॉस थीटा, तो इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, J डॉट डेल्टा ए। तो ध्यान रखना जी कि जो हमारी करंट डेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारी जो करंट है, हमारी जो करंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अभी जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक एक्चुअली आपके बुक्स में नहीं है,
बट फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आपके लास्ट जो चैप्टर है एसी करंट है जो आठवां चैप्टर है उसमें काम आएगा, इसलिए मैं अभी इसलिए स्टार्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है तो मैंने लिख दिया कि आपको पता भी लग जाए, तो इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। समझ आ गई ना बात कि करंट डेंसिटी क्या है और वो क्या है, सब समझ आ गया। अच्छा जी अभी हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ, अभी क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, अभी ये किसी में नहीं है, अभी आपके किसी में बुक्स में नहीं है, वैसे ही जनरली हमने एक टॉपिक ले लिया ताकि आपको पता लगे कितने टाइप के भी करंट की बात कर सकते हैं। तो ना कभी क्वेश्चन आएगा और ना कभी आया है, हाँ ये जरूर है कि हम बता सकते हैं जी आपको। ठीक है, तो हमने क्या बोला इस पे लिखेंगे, इसको बिटिया जी इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा पहला होता है जी स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है जी डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट होता है जी, हमने बोला कि कोई भी हमने एम्पियर टाइम ग्राफ लिया जी, एम्पियर टाइम ग्राफ लिया उसमें हमने क्या दिया कि जो टाइम के साथ करंट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है का मतलब क्या हो गया कि मैंने पहले एक मिनट, फिर दो मिनट, फिर तीन मिनट, ऐसे करते 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 टाइम जब भी नोट किया तब जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हुआ कि अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो प्लस वाई और प्लस एक्स की बात कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, दो 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 तीन तीन चार चार चार, तो हमने क्या बोला चार एम्पियर मान लो वैल्यू है, तो चार एम्पियर वैल्यू है तो वो क्या है, चार एम्पियर वैल्यू चले जा रही है, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने क्या बोला जो ये करंट होगा वो क्या होगा, स्टेडी करंट होगा। तो अगर कोई पूछ ले टाइप्स ऑफ करंट की बात कर ले तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं, तो टाइप्स ऑफ करंट हम चार की बात कर रहे हैं, तीन बोल रहे हैं, दो बोल रहे हैं कि एक बोल रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। तो दो तो हम मेनली पढ़ेंगे, एसी और डीसी हमारा आएगा एट चैप्टर में, बट हम जो बता रहे हैं उसके आप बात कर सकते हैं। वेरिएबल की बात जो करेंगे, वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में क्या होता है, कोई भी करंट मान लो ऐसे मतलब फ्लो कर रही है, मान लो ये फ्लो कर रही है, पहले क्या होगी, दो होगी, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, ऐसे मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो वो क्या है, वेरिएबल करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, किसी भी टाइम के लिए, किसी भी क्षण की बात करते हैं, किसी भी एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, उस टाइम के लिए जो करंट की बात करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और एसी करंट की बात करेंगे तो एक ही जगह पर हम एक मतलब मान लो बैरियर के अंदर जो ऑसिलेशन होते हैं, जो हमारे घरों में करंट आती है उसके लिए बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसी करंट की बात करते हैं। उस ऑसिलेशन के अंदर जो बात होती है वो क्या करते हैं, एक मतलब जहाँ से फ्लो कर रहा है वापस आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, ये करंट क्या है, एसी करंट कहलाता है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस सब पर स्पीड पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है। और ये बात हम कैपेसिटर में भी करके आ चुके हैं। वेरिएबल करंट क्या होता है, कभी कम हो रही, ज्यादा हो रही, और एक टाइम पे स्टडी हो रही है। स्टडी करंट क्या होती है, स्टडी मतलब रुकी हुई है, मतलब डीसी करंट जो है उसको हम क्या कहेंगे, स्टडी करंट है। इतना मुश्किल पूछा नहीं जाता, कभी पूछते भी नहीं, जब आपको ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में आपको फ्लो में बता रहे हैं जी। ठीक है जी, इससे इसके अलावा आपसे जो हमारा आज का टॉपिक था, उस आज टॉपिक में जो आपको करवाया है वो टॉपिक के अलावा जो था टॉपिक है उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, जो था डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, जो आपको बताया उतना ही पूछा जाएगा। ठीक बात, अच्छा जी वापस एक बार रिपीट करेंगे, इसको इरेज करेंगे, उसके बाद नई बात की करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम कई दोनों बाद मुलाकात हुई है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। हाँ जी तो आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, किस एंगल से उसको लेते हैं, कैसे टिल्ट करते हैं एंगल, एक एरिया के लिए किसी भी सरफेस एरिया की बात करते हैं, और आई इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीटी होता है, डीटी अपॉन डीटी क्या होता है, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज पर फ्लो, कैसे चार्ज को फ्लो करते हैं, दो तारें क्यों होती हैं बताया था आपको, सर्किट कैसे बनता है, सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा, ये भी हमने बात की थी। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहें,
बिल्कुल अपना ध्यान रखें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, हम लेक्चर्स प्रॉपर आ रहे हैं, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें। जो बच्चे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको बोलो कि ध्यान दे, और रेगुलर क्लास अब आने वापस स्टार्ट होगी। पिछले थोड़ा हिंदी मीडियम का भी स्टार्ट किया था तो उसका वहां पे भी लग गई थी, तो अभी आपके लेक्चर रेगुलर रहेंगे। आपका थर्ड चैप्टर के बाद कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप भी न्यूमेरिकल के साथ हमारे साथ बनाए रखें। जितने बच्चे भी नए हैं उन बच्चों को बोलें कि जिन बच्चों ने अभी देखना छोड़ा है वो बोले कि रेगुलर देखना स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।